अखिलेश द्विवेदी, बी कॉम फर्स्ट ईयर एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे बी कॉम, अभी फर्स्ट ईयर इनका एडमिशन होना है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को बता दीजिए। तो सर देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, जैसे हाई स्कूल का प्लस इंटर की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों चाहिए, फिर 3 फोटोज़ आपकी चाहिए। फीस जो है ज़्यादातर जो इसके एलाव यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें जनरल के लिए फीस 1,500 रुपीज़ है, तो करीब इतना आपके पास होना चाहिए। फिर आधार कार्ड ओरिजिनल और फोटो कॉपी, कॉपी ऑफ आपका जो एडमिट कार्ड था जिसके बेस पे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसकी कॉपी, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, जनरल के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। फिर आपका अगर मान लीजिए आपने कोई कोटा अप्लाई किया था, जैसे एनसीसी है या पीएच है, पिछली हैंडीकैप का जो कोटा है वो है, फिर कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें जो रिजल्ट आया जिसका जितना जिसके बेस पे आपका जो नंबर है वो आपका क्लेरिफाई होना चाहिए। फिर इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए लिखा है कि साहब हमें स्कॉलरशिप चाहिए तो वो हो गया। फिर रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट भी कुछ कॉलेजेस मांगते हैं, जो मूल निवासी प्रमाण पत्र उसको कहते हैं हिंदी में, वो चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब आय प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, आय जाति दोनों, और ओरिजिनल टीसी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं काउंसलिंग होने से पहले, ठीक है। फिर कुछ गाइडलाइन दिमाग में अपने रखिए कि एडमिशन हॉल में थोड़ा पहले पहुंच जाइए, बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए, हालांकि लोग वहाँ रहते हैं, छात्र नेता होता है और बहुत सारे कोचिंग और सबके लोग जो रहते हैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए, और वहाँ पे भी लोग काफ़ी रहेंगे चीज़ों को हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी पैनिक मत करिए। मेरा अपना जो प्योर अंदाजा है, जो मतलब विगत वर्षों का अनुभव रहा उसके आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे इस बार जैसे एयू का जो टॉपर है वो 240 या 214 ऐसा कुछ रेंज है उसकी, तो उस हिसाब से 240 से 180 जनरल प्लस ओबीसी के लिए हम ये पूरी मेरिट बता रहे हैं एयू में चले जाएंगे। एडीसी 180 से 120 तक जाएगा, सीएमपी 120 से 100 तक जाएगा, ईश्वर शरण और श्याम प्रसाद मुखर्जी 100 से 60 तक जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो ऐसा पूरी सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप ये समझ लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट और ये सारी बातें चाहिए, और डॉक्यूमेंट की पूरी एक ये जो सारी आपके डॉक्यूमेंट की जो डिटेल हैं इसकी एक पूरी लिस्ट जो है हम अपना ब्लॉग जो है और उस पर डाल दे रहे हैं, जिससे कि आपको कन्वीनियंट हो जाए उसको देखने में, जो कि अखिलेश द्विवेदी एजुकेशनल के नाम से है, ठीक है, एजुकेशनल के नाम से हमारा ब्लॉग है उस पर भी देख, ठीक है। अब जो एक चीज़ ये याद रखिएगा, जिन जिन लोगों को ये पहुँचे वो करीब ज़्यादातर लोगों को शेयर करें जिससे ये उन तक पहुँच जाए जिनको एडमिशन लेना है और जो परेशान हो रहे हैं। ये याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट सारे आपके काउंसलिंग से पहले रेडी होने चाहिए। इन केस अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो उसका वजह बताते हुए आपको अपना एफिडेविट भी वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछते रहिएगा। ओके, थैंक यू।